मच मोर और लिटल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं और मेनी मोर एंड फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स, जबकि मेनी मोर या फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई हैव मच मोर टाइम टुडे, आज मेरे पास बहुत वक्त है या आज मेरे पास बहुत टाइम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर मच मोर का यूज किए। दे हैव मच मोर करेज, उनके पास बहुत हिम्मत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मच मोर का यूज किया, क्यों? क्योंकि करेज एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसे गिना नहीं जा सकता है। शी हैज मच मोर वेल्थ, उसके पास बहुत सारा दौलत है। यहाँ पर वेल्थ एक ऐसा नाउन है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप मच मोर का यूज करेंगे। यू शुड हैव मच मोर मिल्क फॉर इट, इसके लिए आपके पास बहुत सारा दूध होना चाहिए। फ्रेंड्स, दूध एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ मच मोर का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मच मोर का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और इसका मीनिंग बहुत होता है, लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें, यानी अगर हम बहुत के जगह पर कम की बात करें, जैसे आज मेरे पास कम वक्त है, अगर हम कम की बात करेंगे तो मच मोर के बजाय हम लिटल का यूज करेंगे और मिनी मोर के बजाय हम फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन हम ऐसा तब करेंगे जब हमें बात कम की करनी हो, बहुत की नहीं। जैसे फ्रेंड्स, एग्जांपल देते हैं, अगर कहना हो फ्रेंड्स उन लोगों के पास हिम्मत कम है, तो आप कहेंगे दे हैव लिटल क्रेज, उसके पास कम दौलत है, तो आप कहेंगे सी हैज लिटल वेल्थ, आपके पास इसके लिए कम दूध होनी चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड हैव लिटल मिल्क फॉर इट। तो फ्रेंड्स, मच मोर मींस बहुत, लेकिन हम कम के लिए लिटल का यूज करते हैं तब जब हमारा नाउन अनकाउंटेबल हो। आइए फ्रेंड्स, अब मेनी मोर के बारे में जानते हैं। आई हैव मेनी मोर चेयर्स। फ्रेंड्स, यहां पर बहुत के लिए मैंने मेनी मोर का यूज किया है, क्यों? क्योंकि चेयर्स एक ऐसा नाउन है जिसे आप काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन के लिए हम मेनी मोर का यूज करेंगे अगर हमें कहना हो बहुत। दे हैव मेनी मोर हॉर्सेस, उनके पास बहुत घोड़े हैं। यहाँ बहुत के लिए हमने यूज किया मेनी मोर, क्यों? क्योंकि हॉर्सेस काउंटेबल नाउन होते हैं। शी हैज मेनी मोर बुक्स, उसके पास बहुत किताबें हैं। चूंकि बुक्स काउंटेबल नाउन होती है, इसलिए हम मेनी मोर का यूज करेंगे। यू शुड हैव मेनी मोर फ्रेंड्स, आपके पास बहुत दोस्त होनी चाहिए। यहाँ दोस्त एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम मेनी मोर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आपका नाउन काउंटेबल हो तो आप बहुत के लिए मेनी मोर का यूज करेंगे। अगर हम मेनी मोर के अपोजिट की बात करें, यानी अगर हम यहाँ कम की बात करें, जैसे मेरे पास थोड़े कुर्सियां हैं या कम कुर्सियां हैं, तो आप मेनी मोर की जगह पर फ्यू का यूज करेंगे, क्योंकि फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं जब आपका सेंस कम से हो। अगर कहना फ्रेंड्स मेरे पास कम कुर्सियां हैं, तो आप कहेंगे आई हैव फ्यू चेयर्स, उन लोगों के पास थोड़े घोड़े हैं, तो आप कहेंगे दे हैव फ्यू हॉर्सेस, उसके पास कम किताबें हैं, शी हैज फ्यू बुक्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको ये बात समझ में आई कि ज्यादा के लिए आप मच मोर और मेनी मोर का यूज करेंगे। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो मच मोर, अगर नाउन काउंटेबल है तो मेनी मोर का यूज करेंगे, और वर्ड कम के लिए आप लिटल और फ्यू का यूज करेंगे। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटल, अगर नाउन काउंटेबल है तो फ्यू का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, दो और इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भुलक्कड़ टाइप के हैं, यानी अगर आप ज्यादा दिनों तक ये बात याद नहीं रख सकते हैं कि मच मोर का यूज किसके साथ और मेनी मोर का यूज किसके साथ, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आप इन दोनों की जगह पर अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ इन दोनों का यूज
काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ किया जाता है। तो अगर आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज करें। चलिए फ्रेंड्स, एग्जांपल में इस बात को समझते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ मोर पॉल्यूशन इन द सिटी देन इन द कंट्री। यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग है, कंट्री की तुलना में शहर में ज्यादा पॉल्यूशन है। देयर इज अ लॉट ऑफ मोर पीपल नाउ देन लास्ट वीक। और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि लास्ट वीक की तुलना में अब बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लॉट ऑफ का यूज एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए और यहाँ पर लॉट ऑफ का यूज एक काउंटेबल नाउन के लिए हुई है। क्यों? लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ इन दोनों का यूज काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि वो मेरे वीडियोस को कैसे स्टेप बाय स्टेप देखें। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया हुआ है जहां आपको सभी वीडियोज स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।